अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल द इन पोहा में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों बहुत बड़ी ख़बर है जो मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और वो ये है कि पहले तो UHS ने ये किया था कि जो नम्स का एंट्री टेस्ट था या जो UHS का अपना एंट्री टेस्ट था, और दोनों की बेस पे जिनकी एग्रीगेट जितना भी हाई था किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उनको उस बेस पे एडमिशन मिलता था। लेकिन अब जो है UHS ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर है, उसने ये किया है कि जो नम्स का एंट्रेंस टेस्ट है वो एक्सक्लूड किया है एडमिशन से, और जो ओरिजिनल UHS का जो टेस्ट था उनके बेस पे अब स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स की एडमिशन रहती है वो तमाम के तमाम जो है वो लाहौर जो UHS जो है जिसने एंट्रेंस टेस्ट अरेंज किया था उसके बेस पे अब उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो उसके बेस पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो एग्रीगेट है वो रीशफल हो गए हैं, और अब कुछ के ज़्यादा हो गए हैं, कुछ के कम हो गए हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा अब उन पे स्ट्रेस आ गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी एडमिशन कंफर्म थी वो अब एडमिशन नहीं कर सकेंगे, जिनकी एग्रीगेट जो है वो UHS में कम थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी एग्रीगेट UHS में ज़्यादा और नम्स में कम थी, तो उनकी जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं।